नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट दिन भर में। आए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। आसफ अली रोड स्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग की हालत खस्ता है। कई पिलर और लेंटर में दरार पड़ी हुई है, जगह जगह पानी गिरता रहता है और गाड़ी खड़ी करने वाले परेशान है। छत में दरार है, पिलर के भी जोड़ खुलने से बड़ी बड़ी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। ये हाल है आसफ अली रोड पर स्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग का। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने वाले लोग भी अब डरने लगे हैं। छत से प्लास्टर के टुकड़े गिरते हैं तो अक्सर गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं और डेंट भी पड़ जाता है। इस बारे में हमने पार्किंग के ठेकेदार से पूछना चाहा तो वो भागने लगा, लेकिन हमने उसको पकड़कर बात की तो बोला कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम में सुनवाई नहीं हो पा रही है। पानी तो इस पार्किंग में बहुत रहता है, अभी पानी थोड़ा सूखा हुआ है, पुरानी गाड़ियाँ बहुत ज्यादा खड़ी हैं। अक्सर यहाँ शराबी और ये जगह इसमें की आकर के गाड़ियों के शीशे वाइपर ये सारी चीज़ें तोड़ देते हैं, हम लोग की गाड़ी का बहुत नुकसान होता है। फिर दूसरी चीज़ है कि पानी भर जाता है तो यहाँ बीमारी फैलने का खतरा रहता है। और इनको कंप्लेंट करते करते मैं थक गया, आज से नहीं, मैं 17 साल से इस पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ। और मैं इनको जो ठेकेदार हैं इनको कहते कहते थक गया था, वो कहते जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, जी करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई ये रहता है। और इसके डेंटर वगैरह भी कमज़ोर हो गए हैं। हम लोग रात में आते हैं, कई बार ड्रेसेस डाली हुई हैं वो सारी गंदी हो जाती है, पानी इतना है, कीचड़ है, अंधेरा रहता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है सर। यहाँ पे गाड़ी वगैरह को तो नुकसान होता ही रहता है भाई, बुरा बाल है तो मैं क्या करूँ इसमें। शिकायतें तो आ रही हैं, देखो कितनी पार्किंग की बुरी हाल हो रही है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। पानी टपक रहे, MCD को कितनी कंप्लेनें कर दी, MCD कितने कंप्लेनें करा दी, MCD कुछ सुनती नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग क्या गलती है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। बहुत पुरानी गाड़ियाँ तो खड़ी ही है यहाँ पे, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ पुरानी खड़ी है, इसका कोई सुनवाई नहीं होती है। कितनी बार MCD को लीक लीक के दे आए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई यहाँ सुनता ही नहीं है। हम आपको बता दें कि आसफ अली रोड पार्किंग दिल्ली की सबसे बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग में से एक है। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाले ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियां यही खड़ी करते हैं। अगर इस पार्किंग को समय रहते हुए मरम्मत नहीं की गई तो कोई भी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, जिसका खामियाजा उत्तर दिल्ली नगर निगम के साथ साथ इलाके के लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। रुड़की के मंगलौर में सुबह सवेरे चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में धावा बोल दिया। चोरों ने बैंक के अंदर कई घंटे तक बैंक की अलमारियों में तोड़फोड़ मचाई। दिन निकलते ही चोर बैंक का कंप्यूटर और जरूरी दस्तावेज के साथ फरार हो गए। साथ ही चोर CCTV का DVR लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही बैंक प्रबंधन और पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के बड़े अधिकारी भी मंगलौर कोतवाली पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों चोरों को गंगनहर किनारे से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को कंप्यूटर और बैंक के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस को चोरों के पास से कुछ धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। उधर पुलिस अब चोरों से पूछताछ करने में जुट गई है। बैंक का तो रात में एक हमारे बड़ौदा बैंक है मंगलौर में, उसमें कुछ चोरों ने कुछ सामान चोरी किया, कंप्यूटर्स वगैरह उसके ऊपर से रोशनदान काट के, तो उसमें सुराग मिल गया और वो लड़के पकड़े भी गए हैं, उनसे सामान भी बरामद करा। बैंक में किसी प्रकार का कोई नुकसान? हाँ कुछ सामान ले गए, कुछ अलमारियाँ तोड़ने का प्रयास किया उन्होंने, काटी वाटी भी है, उसका कटर वटर का सामान भी। कितने लोग अभी? 2 लोग पकड़े गए हैं, और भी लोगों संभावना है, आधे आदमी की। और गौरतलब है कि 10 दिन पहले भी मंगलौर में SBI की ब्रांच में भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया था, लेकिन नाकाम होने पर चोर फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। लालकुआ के घोड़ा नाला स्थित शहीद जगत सिंह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़ा नाला में कक्षा 9 के प्रश्न पत्रों की सील तोड़कर पेपर लीक करने का मामला सामने आया है। लालकुआ के शहीद जगत सिंह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल छुट्टी होने के चलते अज्ञात व्यक्ति ने विद्यालय की अलमारी का लॉक खोलकर लॉकर के भीतर रखे कक्षा 9 के प्रश्न पत्रों की सील तोड़कर पेपर ले गया। पेपर लीक होने की सूचना मिलने पर प्रधानाचार्य ने लालकुआ कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दर्ज की है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी हरेंद्र मिश्रा ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
आज के हाई स्कूल घोड़ा नाला लालकुआ में स्थित विद्यालय वहाँ का ये मामला है। 24 तारीख को शिवरात्रि अवकाश होने कारण विद्यालय बंद था। 25 तारीख को प्रधानाचार्य विद्यालय पहुँचे तो देखा उनने कि उनके अलमारी अपने जो कक्ष में रखी हुई अलमारी का उनने जब खोला है ताला खोला तो देखा कि अंदर का जो डबल लॉक है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ था और उसमें रखे हुए प्रश्न पत्र जो है वो मतलब बिखरे हुए थे। तब उन्होंने अपने स्टाफ को बुला के वहाँ पर सब कुछ मामला दिखाया तो ये लगा वहाँ पर कक्षा 9 के प्रश्न पत्रों को खोला गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। मैं अब किसी के खिलाफ गया भोजन एक्चुअली में विद्यालय की जो चाबी है साफ सफाई के लिए भोजन माता के पास रहती है, उसी को जो है रात्रि चौकीदार की व्यवस्था विद्यालय के द्वारा सौंपी गई है तो आखिरकार उसकी जिम्मेदारी उसी भोजन माता की बनती है। क्योंकि जो प्रधानाचार्य कक्ष के बाहर ताले लगे हुए थे और अंदर भी एक बाहर से भी एक ताला लगा हुआ था, वो ताला तोड़े नहीं गए हैं, वो ताले खोले गए हैं चाबी से, तो ये निश्चित तौर से लग रहा है कि भोजन माता के यहाँ से ही किसी ने वो चाबी विद्यालय की चाबी ली है और अंदर के जब वो अलवारी आसानी से नहीं खुली डबल डोर तो उसको तोड़ा गया। गौरतलब है कि फिल्म 3 इडियट्स में भी अभिनेता आमिर खान ने विश्वविद्यालय की अलमारी से प्रश्न पत्र चुरा कर उसकी फोटो स्टेट करा ली थी। ठीक उसी प्रकार यहां भी सिरफिरे ने फिल्मी तरीके को अपनाकर प्रश्न पत्र लीक किया है। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में जिस प्रकार से 2 राज्यों में जबरदस्त अपना परचम फहराया है उसी तरह अब आगामी नगर निगम के दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी की ही लहर होगी। जिस खुशी में पूरे दिल्ली में बीजेपी ने विजय दिवस मनाया और जीत की खुशियों को जनता के बीच जाकर पद यात्रा के माध्यम से रखा और अपनी खुशियां बांटी। इस दौरान बीजेपी ने साउथ दिल्ली के महरौली जिला में भी कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें खानपुर मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी के बीच सभी कार्यकर्ता शामिल हुए और मिलकर उन्होंने जीत की खुशियां बांटी। विजय उत्सव में हजारों कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और जोश दिखाई दिया। भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद के नारों से बीजेपी में माहौल बना हुआ दिखाई दिया। महाराष्ट्र में मिली जीत के बाद अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां भी उनकी जीत निश्चित है। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने लैब टेक्नीशियन की हत्या का खुलासा करते हुए महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर निवासी डॉक्टर जगपाल की हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। एक दिन पहले डॉक्टर जगपाल को महिला ने मंगलौर बुलाया था जहां पर आरोपी महिला पूनम और उसके पति मनोज एवं महिला के 2 सगे भाइयों ने डॉक्टर की हत्या की साजिश रची जिसके चलते 4 लोग डॉक्टर जगपाल को उनकी ऑल्टो कार से गंगनहर किनारे ले गए जहां उसे नशीली दवाइयों के साथ साथ काफी शराब भी पिलाई गई। जब डॉक्टर बेसुध हो गए तो सभी आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया जिससे डॉक्टर जगपाल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मृतक के शव को गंगनहर में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस को मंगलौर गंगनहर किनारे से डॉक्टर की ऑल्टो कार, 3 ATM कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड और खून से सनी बालियान बरामद हुई है। वही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब पुलिस डेड बॉडी की तलाश में जुटी हुई है। अजीत, मेरी बहन को वो बहुत टॉर्चर करने लगा था जी, कहने लगा वो या तो अपने पति को मार दे और नहीं तो मैं मारूंगा सर, और तेरे बच्चों को स्कूल में तो ठहलवा सहारनपुर तक स्कूल में जाओ जी, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर अब उसे मार का सब कोई दिक्कत नहीं रहने की घर में, रास्ते की दीवार सबसे बड़ी वाह, और 200 बीघा जमीन वह थारी और मेरी हो जाएगी और तेरी हो जाएगी, तेरे फैमिली को भी उसे लालच दिया मेरी बहन को, तो उसने मुझे इस तरह बता अगर भाई इस तरह टॉर्चर कर रहा घर में पत्थर फेंक और रोज आन कर कट्टा दिखा हुआ आन का घर, तो मैंने कहा चल मैं देखता हूँ फिर क्या करेंगे। अवैध अवैध संबंध थी तुम्हारी बहन के साथ? ये तो मैं कह नहीं सकता जी कुछ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं इसका बीच का संबंध का कुछ।
काहे से मारा तुमने से? एक चक्कू ताजी घर का ही उसको मार दिया था, उसका तो मरा था नहीं जी, फिर गड़ा घूटते था बस। कितने लोग थे तुम साथ में? दो ही थे जी बस। 24-25 की रात को गश्त के दौरान लगभग 3:30 बजे एक अल्टो गाड़ी जो कि नहर के पास खड़ी थी उसे इंस्पेक्टर के द्वारा देखा गया, उसे चेक किया गया तो उसमें ये खून के निशान और एक कपड़ा जिसमें पूरा खून से सना हुआ था वो दिखा उसमें। उस गाड़ी के लिए सुबह फिर फ़ोन किया गया कि ये किसकी गाड़ी है, गाड़ी के नंबर से पता किया गया। जिसकी गाड़ी थी उसने बताया कि 3-4 महीने पहले मैं इस गाड़ी को एक जगपाल सिंह है उनको बेच चुका हूँ। जगपाल सिंह के घर फ़ोन किया गया तो मुझे बताया गया कि 24 तारीख की शाम करीब 8 बजे वो सहारनपुर से निकले थे और कहीं शादी में जाने की बात की थी उन्होंने। फिर और पता किया गया इनके विषय में तो ये संज्ञान में आया कि ये निकले थे और उसके बाद इनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने ये किसके यहाँ गए थे, इनका कैसे संबंध है, कई और दुश्मनी कहीं है इनकी, वो सब पता किया। तो जिसमें कि ये कुछ लोग पकड़े गए जिन्होंने बताया कि हमने जगपाल सिंह को मार के गंगनहर में फेंक दिया है। अभी बॉडी बरामद नहीं हुई है लेकिन उसमें 3 मुलजिम और एक महिला गिरफ्तार की गई है। इस महिला से इनका अवैध संबंध था जिसके कारण से उसके पति और उसके भाइयों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। हत्या किस चीज़ से की गई? एक घर में प्रयोग होने वाले चाकू से इनके गर्दन पर वार किया गया था। ये बिजौली के जंगलों में ले जाकर फिर इनका गला दबा दिया गया और यहाँ नहर में गंग नहर में इनकी बॉडी फेंक दी। इसको महिला का प्रयोग किया गया उनके भाइयों द्वारा और महिला ने फ़ोन करके उन्हें बुलाया कि सहारनपुर से कि तुम यहाँ आ जाओ। फिर ये इसका भाई इसके साथ मिला और रुड़की बस अड्डे पर इन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने शराब पी साथ में, शराब में उसमें नशे की गोली डाल दी जिससे कि उसका नशा बढ़ गया, वो बेहोश होने लगा। उसी दरमियान इन्होंने चाकू से उस पर वार करके उसे मारा और बाद में गला दबा दिया। रुड़की में 2 साल पहले नाकाम हुई CPU को एक बार फिर शहर की सड़कों पर उतारा गया है। इन पर बिना किसी दबाव के यातायात नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी होगी। इस बार CPU में एक इंस्पेक्टर, 11 सब इंस्पेक्टर और 20 कांस्टेबलों ने शहर की कमान संभाली है। CPU शहर के विभिन्न चौराहों पर लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील करेगी। CPU के शहर में पहुंचने के बाद सभी चौराहों पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। CEO स्वप्न किशोर स्वरूप ने कहा कि अभी 1 सप्ताह तक कोई चालान नहीं काटा जाएगा, पहले लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा, उसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। अच्छी चीज को अच्छाई के साथ लागू होने में कुछ शुरुआती बाधाओं का सामना यदि करना पड़ता है तो ये उसकी असफलता नहीं है, वरन ये उस दिशा में अग्रसर होने का एक अनिवार्य आयाम है। तो इसे इसी रूप में लिया जाना चाहिए और ये एक सकारात्मक कदम है। जनता के साथ सकारात्मकता से पेश आकर जनता को उसमें सहयोगी बनाकर हमें सफलता हासिल करनी है और उनको उनके जीवन की सुरक्षा के प्रति सचेत और जागरूक करना है। हरिद्वार शहर में CPU है, अब रुड़की में भी इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन अगर CPU के पुराने अनुभव का संज्ञान लिया जाए तो CPU की सफलता चुनौती भरी होगी, क्योंकि रुड़की शहर में गांव देहात के लोगों का खासा आना जाना रहता है। करीब 2 साल पहले भी रुड़की में CPU की व्यवस्था लागू कर दी गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद CPU विवादों के घेरे में आ गई थी। कुछ लोगों ने चेकिंग के दौरान अभद्रता का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। इसके बाद भी कई विवाद हुए जिसके बाद SSP ने रुड़की से CPU को हटा लिया था, लेकिन अब एक बार फिर CPU रुड़की की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए देवभूमि।